अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज मैं रेसिपी शेयर करूंगी बीफ सीख कबाब की, और बिलीव मी ये बहुत ही ज़बरदस्त बनके और बहुत ही टेंडर बनके तैयार हुए थे। और मैं इसे पैन में बनाऊंगी और घर के बने हुए सीख मसाला कबाब के साथ इसे रेडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, और 6 से 7 गोल वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च या गोल वाली मिर्च जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और अब हम इसे स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। स्लो फ्लेम पे ही करना है, बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे। और अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे पीसने के लिए मिक्सर में डाल देंगे। और अब मैं इसमें कबाब का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी जो है कबाब चीनी। ये ब्लैक पेपर की फैमिली से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसके ऊपर छोटी छोटी स्टिक होती हैं, इस तरह से गोल गोल होती हैं ये। इसमें मैं ये 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। और अब हम इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। और अब मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून चने लिए हैं, ये छिलकों के बग़ैर हैं। इन्हें मैं अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लूँगी ताकि ये फ़ाइन पाउडर बन जाए। और 1 किलो मैंने बीफ की पीसीज लिए हैं, इसमें 20% फैट होना चाहिए। और मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे ड्रेन आउट होने के लिए रख दिया था, और मेक श्योर इसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। और अब मैंने इन्हें मिक्सर में डाल दिया है, और मैंने 2 इंच के अदरक का पीस लिया है, वो मैं इसमें पीसेस करके ऐड कर दूंगी, 5 से 6 लहसुन के जवे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज को पीस लिया था, उसका पानी मैं स्क्वीज़ कर लूंगी, वो इसमें ऐड कर दूंगी। मेक श्योर आप पानी बिल्कुल स्क्वीज़ कर दें, अदरवाइज़ ये कबाब टूट सकते हैं। और जो अब हमने मसाला पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून चिली पाउडर है, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला। चार से पांच हरी मिर्चें, ये आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हैंडफुल हरा धनिया है, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट है। और अब जो हमने चने का पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप बेसन भी रोस्ट करके 3 टेबल स्पून वो ऐड कर सकते हैं। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये देखिए ये इतना फाइन हो जाएगा। और अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप ग्राइंडर जिसमें हम स्पाइसेस पीसते हैं उसमें भी पीस सकते हैं इसे। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कच्चा पपीता अवेलेबल ना हो तो आप कच्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और अब मैं इसके कबाब रेडी करूँगी। सबसे पहले हम हाथों को पानी से गीला कर लेंगे थोड़ा।
और पहले सबसे पहले हम अच्छी तरह से बॉल बनाएंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना हो, और सीख पे लगा के इस तरह से हम इसकी शेप दे देंगे। और मैंने इसे इस तरह से शेप दिया है ताकि ये कुक करने में इजी रहे। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम ईच साइड हम इसे फ्राई करेंगे और फिर टर्न कर लेंगे। और ये देखिए कितने टेंडर और जूसी लग रहे हैं। और आपको जैसा कलर पसंद हो आप कर सकते हैं, और मुझे इस तरह थोड़ा डार्क कलर चाहिए था तो मैंने थोड़ा देर तक इसे फ्राई किया है। और ये बहुत ही टेंडर और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। और अगर आप इस प्रोसेस से अपने सीख कबाब रेडी करेंगे तो आप किसी भी रेस्टोरेंट के कबाब भूल जाएंगे, आई एश्योर यू। और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।